दोस्तों आज हम इस 2D क्लिपिंग के अंदर जो पॉलीगन क्लिपिंग का सेक्शन चल रहा है हमारे पास उसमें हम करेंगे एल्गोरिथम वेलर एथर्टन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। लास्ट टाइम मैंने एल्गोरिथम कराया था सुदरलैंड होजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब इस पॉलीगन इस क्लिपिंग एल्गोरिथम को समझना ध्यान से, हालांकि ये एल्गोरिथम मैं पहले भी करवा चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बट उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी तो इसलिए मैं दोबारा से अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कहानी शुरू होती है कि सुदरलैंड होजमैन आए, ठीक है, उन्होंने पॉलीगन क्लिपिंग के लिए 4 रूल बताए और कहा कि आप इसको फॉलो करके आप अपने पॉलीगन को क्लिप कर लीजिए, ठीक है। अब ये बंदों ने क्या किया कि चलो सोचा कि यार उन दो बंदों ने हमें एक एल्गोरिथम दिया है सुदरलैंड होजमैन ने, उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको वेरीफाई करना शुरू किया और उन्होंने एक गलती निकाली। वो गलती क्या थी, उन्होंने कहा कि जो सुदरलैंड होजमैन का एल्गोरिथम है वो जो बेस्ट सूट करता है, मतलब बेस्ट परफॉर्म देगा, अपना रिजल्ट देगा, वो देगा कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऊपर, ठीक है। अगर मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा तो उसको वो बेस्ट रिजल्ट देगा, अदरवाइज जो मेरा कॉनकेव होगा, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन होगा उसमें क्या होगा कि हमें एक्स्ट्रानियस लाइंस मिलेगी, ठीक है। यही वर्ड बुकों में भी यूज हुआ है, मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रानियस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहां पे ये बेस्ट सूटेड है, ठीक है। अब बात समझो, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, ये पॉलीगन बेसिकली मैं बता चुका हूं जब मैं पॉलीगन का कंसेप्ट करवा रहा था आपको, वो वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर देता हूं कि कॉनकेव पॉलीगन के अंदर हमारा एटलीस्ट जो एक एंगल होगा ना, एटलीस्ट एन एंगल, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, बट इसमें लेस देन 180 डिग्री आएंगे, ठीक है सर एंगल। अब कहता है कि कहानी को शुरू करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले देता हूं, इस एग्जांपल को मैं सुदरलैंड के हिसाब से सॉल्व करके दिखाता हूं, देन देखते हैं कि बेसिकली ये कहना क्या चाहते थे, ठीक है। ये मेरी क्लिपिंग विंडो है, मान लो, ठीक है, इस क्लिपिंग विंडो के अंदर वो कहता है कि सपोज करो मैंने एक पॉलीगन डाला जो कॉनकेव है, ठीक है, मान के चलो, ये, ठीक है। ये कहता है कि भाई अगर सपोज करो आपको ये एग्जांपल दिया है और आपको इसे सॉल्व करना है किससे, भाई सुदरलैंड और होजमैन से, ठीक है, इसके एल्गोरिथम को लगाओगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, चलो उसका एल्गोरिथम लगाते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं एक बार, ठीक है। इसकी बेसिकली हम गलती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने गलती कहां कर दी, ठीक है। चलो पॉइंट डाल देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। सुदरलैंड होजमैन का एल्गोरिथम क्या कहता है, हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम वो वर्टिसेस, वो इंटरसेक्शन वर्टिसेस पॉइंट डालेंगे जो हमारी क्लिपिंग विंडो पे होंगे या उसके अंदर होंगे। वो कैसे निकालते हैं देखो, उसके लिए वो ये कहता है कि हम स्टार्ट करेंगे ए से, ठीक है। ए मेरा पॉइंट कौन सा है, बाहर की तरफ, बी की तरफ जा रहा है, बी कहां है, अंदर की तरफ, तो एक लाइन को ये क्लिक करेगा, कट करेगा, जिसको मैंने क्या कहा, ए डैश मान लो, ठीक है। ये कहता है ऐसी लाइन जो एक पॉइंट एंड पॉइंट बाहर हो, दूसरा पॉइंट अंदर की तरफ हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम ये पॉइंट लेते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लेंगे, ठीक है, इसमें हमने ये दे दिया ए डैश बी, बी दे दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले पे क्या कहता है कि अगर आपकी लाइन दोनों पॉइंट में अंदर है, दोनों पॉइंट आपके अंदर है, तो आपको उसके नीचे वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। मेरे पास लिस्ट में क्या आ जाएगा, सी, ठीक है जी। अब कहता है आगे बढ़ो जी, आगे बढ़े। अब कहता है अगर आपका पॉइंट, आपकी लाइन अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, इसको लेना है, ठीक है। इसको मैंने पॉइंट दिया डी डैश, मेरे पास क्या आया, अब यहां पे
डी डैश, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है डी डैश। अब आगे चलो, वो कहता है कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, यानी डी से ई की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो क्या है? मतलब ये कहीं पे ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप क्या करोगे, जो ए और बी में लगा है सेम वही लगेगा, तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मान लो ये ई डैश है, तो ये और ई डैश, ई डैश और ई, ठीक है, ये मेरे पास आएंगे ई डैश और ई, ठीक है जी। अब चलो डी से हम, डी डैश से हम कहां गए, ई डैश की तरफ और फिर ई की तरफ। अब आगे चलो, ये लाइन दोनों अंदर है तो क्या कहेगा, सेम जो बी सी में लगा वो लगेगा, ये आ गया एफ। एफ के बाद हम कहेंगे अंदर से बाहर जा रहे, मतलब सी से डी जैसे हुआ है वैसे ही क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, यहां से गए इसकी तरफ, ठीक है। अब जब सारे के सारे पॉइंट को देखेगा तो मेरे पास फिगर क्या आएगी, ये, ठीक है। अब व्हीलर एथर्टन ने क्या कहा कि आपका जो कंसेप्ट था जिसमें हम कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव की बात कर रहे थे, पॉलीगन, देखो ये एंगल कितना है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है जी। उसने कहा आपके डायग्राम में ये जो लाइन है डी से ई डैश, ठीक है, डी से ई डैश, ये क्या है मेरी, एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा नियस्ट लाइन है जिसे मुझे ड्रॉ करना पड़ा है। देखोगे तो इसका पॉलीगन से कोई मतलब नहीं है, मगर मुझे आपके एल्गोरिथम की वजह से क्या करना पड़ा, इसको कंसीडर करना पड़ा, ठीक है। तो इन दो बंदों ने क्या किया, कंसेप्ट दिया कि इसको सॉल्व कैसे करें। इन्होंने कहा हम दो लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट अब इनकी कहानी शुरू हो रही है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि हम इसको पॉलीगन को, बेसिकली इन्होंने नाम रिप्लेस किया पॉलीगन को, इन्होंने क्या कहा, सब्जेक्ट पॉलीगन, ठीक है। जब नया बंदा क्या करता है अपने नाम को फेमस करना चाहता है तो वर्ड भी चेंज कर देता है। और इस विंडो को, इस क्लिपिंग विंडो को क्या कहा इन्होंने, इन्होंने इसको कहा क्लिप पॉलीगन, ठीक है, क्लिप पॉलीगन, ये मेरी क्लिपिंग विंडो को नाम दिया क्लिपिंग पॉलीगन, कोई बात नहीं, किसी ने क्या नाम भी क्या रखा है, आगे बढ़ो। अब ये कहता है कि हम क्रिएट करेंगे दो लिस्ट, ठीक है, मैंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम क्रिएट करेंगे दो लिस्ट, ठीक है, दो लिस्ट हम एंटर करेंगे, यहां पे एक लिस्ट एंटर होती थी, वो कहता हम दो लिस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे वो होगी कैसे उसको देखो, और वो उनके नाम क्या होंगे उसे समझना ध्यान से। अगर आप ये लिस्ट बनानी सीख गए तो आधा 90% काम तो आपका हो गया, ठीक है। पहली लिस्ट का नाम इसने दिया सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मैं लिख देता हूं, तो सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट, ठीक है जी। दूसरी लिस्ट का इसने नाम दिया, एक सेकंड रुक जाइए कहीं पर, दूसरी लिस्ट का नाम था क्लिप पॉलीगन लिस्ट, ठीक है। कहता है कि इसके अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे पॉलीगन की वर्टिसेस है उसको लिखना है हमें, बस पहले वो करते हैं। देखिए पहले स्टार्ट हुआ ए से, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आया ए डैश, ठीक है, ए डैश, उसके बाद मेरे पास क्या आया बी, ठीक है जी, बी के बाद क्या आया सी, सी के बाद मेरे को क्या डालना है लिस्ट में डी डैश, जो चीज जैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है, डी के बाद डी डैश के बाद क्या है डी, डी के बाद ई डैश, ठीक है, ई डैश के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ डैश और देन जी, आप ए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्लिक पॉलीगन लिस्ट जो है मेरे पास उसके हम क्या लिखेंगे, जो वर्टिसेस है वो लिखेंगे, मैं इसमें नाम डाल लेता हूं, इसका नाम लिख लेते हैं, ये मेरी क्लिपिंग विंडो क्लिपिंग है ना, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, ठीक है, ये इसके पॉइंट है। अब देखेंगे सी वन से चालू होंगे और इस क्लिपिंग विंडो पे, इस क्लिप पॉलीगन पे जो जो वेटेस्ट जो जो हमारे पास पॉइंट मिलेंगे हम वो लिखेंगे, ठीक है, उसको लिखते हैं। अब
सबसे पहले हमारे पास क्या आया, C1, ठीक है, C1 सबसे पहले आया, C1 से ऊपर गए तो मेरे पास क्या आया, F डैश, ठीक है, C1 देन F डैश, उसके बाद ऊपर गए तो E डैश, ठीक है, ये E डैश के बाद क्या आया, D डैश, देन A डैश, A डैश के बाद क्या आया, C2, C2 के बाद क्या आया, C3, ठीक है, C3 के बाद क्या आया मेरे पास, C4, और C4 के बाद क्या आया, C1, ठीक है जी। अब ये दो लिस्ट मेरी बन गई है, अब मुझे क्या करना है आगे का प्रोसेस। ये कहता है कि जो सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट है ये हमारी किस लिए यूज होगी, जो सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट है वो यूज किस लिए होगी, मैं बस स्केच पेन चेंज कर लेता हूं अपना पेन। ये कहता है कि जो आपके पास पहली लिस्ट है ना, इसको हम यूज कब करेंगे, इसको यूज करेंगे हम इंसर्टिंग इंटरसेक्शन पॉइंट, ध्यान रखना ये चीज, ये शायद मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था या बताया भी हो, इंसर्टिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, और जो मेरे पास क्लिप वाली है, ठीक है ना, क्लिप पॉलीगन लिस्ट है, इसको मैं कब यूज करूंगा, क्लिप पॉलीगन लिस्ट को मुझे यूज करना है कब, जब मुझे क्या करना है, लीव करना है, ठीक है, एक लिस्ट होगी यूज करने के लिए किस लिए, इंसर्शन में, और एक लीविंग इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, देखो कैसे, और जो जो चीज आएगी उसको हम क्या करेंगे, लिस्ट के हिसाब से बनाते जाएंगे, इसको समझो ध्यान से। वो कहता है सॉरी इंसर्टिंग इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं चालू हुआ ए से, क्या ए मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी नहीं, मैं आगे बढ़ा, क्या ए डैश, ए डैश पे आया, क्या ए डैश मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी हाँ ए डैश मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, देखो ध्यान से, लिस्ट बनेगी, अब इस लिस्ट के अंदर क्या है मेरे पास, ए डैश, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, ये मेरे को मिल गया पहला इंटरसेक्शन पॉइंट, आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्या किया मैंने, स्टार्ट हो गया, मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट लिखते हैं अपने एल्गोरिथम में, अब मैं आगे बढ़ा, क्या बी मेरा सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी नहीं, मैं सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों ढूंढ रहा हूं, ताकि मैं अपनी लिस्ट को कंप्लीट करके जा सकूं आगे, वो कैसे, उसको देखो, क्या बी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, नहीं है, आगे बढ़ो जी, बी के बाद क्या आया, सी, सी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी नहीं, ये देख पॉलीगन का पॉइंट है, आगे बढ़ो, क्या डी डैश आया, वो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी हाँ डी डैश मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको लीव नहीं करना, लीव कहां पे करेगा, ये क्लिप पॉलीगन लिस्ट पे जाके करेगा, कैसे, यहां पे इसको ढूंढेगा कि ये कहां है, डी डैश इसको मिला यहां पे, ये गया अपने भाई के पास दूसरे प्रदेश में यहां पे, ठीक है, अब वो अपनी कहानी यहां से शुरू करेगा, ठीक है जी, यहां से स्टार्ट हुआ डी डैश, डी डैश आगे गया किसके पास, ए डैश के पास, ए डैश इस लिस्ट में सेकंड मेरा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ, यहां पे इसने क्या किया, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट देखा वहां से स्टार्ट हुआ, जैसे इसको सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो यहां पे गया और यहां पे देखा कि इसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां जाके अपनी गाड़ी को रोकेगा, तो मुझे ए डैश के बाद क्या मिला, बी, बी के बाद मिला सी, सी के बाद मिला डी डैश, डी डैश से गाड़ी गई यहां पे और क्या मिला मुझे इसके आगे, ए डैश, ठीक है जी, ये मेरी होगी एक लिस्ट जो मैंने कंप्यूटर को आगे दे दी। अब आगे बढ़ो जी, दोबारा से कोई और भी इंटरसेक्शन पॉइंट है चेक करेंगे, क्या डी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी नहीं, ये तो पॉलीगन का पार्ट है, क्या ई डैश मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वही कहानी दोबारा से स्टार्ट कर लो गाड़ी, यो सॉरी मैंने एंड लिख दिया गलती से, ठीक है स्टार्ट हो गया, अब बंदा स्टार्ट हुआ यहां पे, ठीक है, अब क्या करना है मुझे, आगे बढ़ना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना, सेकंड ई नहीं, लिस्ट बनेगी साइड बाय साइड, याद रखना एक चीज डाली मैंने, पहली चीज क्या आई, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ई डैश, ठीक है जी, क्या मिला उसके बाद ई, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं था, आगे बढ़े,
E के बाद क्या है मेरे पास F, F के बाद F dash, F dash second intersection point है। अगेन वही फंडा, क्या करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इस लिस्ट में F dash का है, वहां गया, पहुंच गया अपने भाई के पास, ठीक है। फिर से यही से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, E के बाद मेरे को क्या मिला था F, F के बाद F dash, अब आगे बढ़ा यहां से नीचे की तरफ तो E dash मिला। E dash क्या मेरा एक अनदर सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको डाला और अपना इस लिस्ट को खत्म किया, यहां पे मैंने क्या किया एंड कर दिया। अब आगे बढ़ा, क्या G मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी नहीं, A इंटरसेक्शन पॉइंट है, नहीं, कहानी खत्म। ये दो लिस्ट पहुंच गई हमारे कंप्यूटर के पास, जिसकी वजह से क्या होगा, अब वो इसको इस जो एरिया ना मेरे को उसको क्लिप करना शुरू करेगा। तो देखोगे ए डैश से चालू हुआ बी पे गया, मैं इसका डायग्राम इसको मिटा देता हूं, ठीक है, देन इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, चलो यही पे बना लेते हैं, एक बोर्ड पे सारी चीज रहे तो अच्छा है, छोटा सा बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच पांच, ठीक है। मुझे प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, मैं प्लॉट करता जाऊंगा। ए डैश कहां पे पड़ेगा जी, यहां पे पड़ा। उसके बाद आया बी, बी कहां है, यू जाके है। सी कहां है, थोड़ा सा नीचे है। सी के बाद क्या डी डैश, डी डैश का है आपका यू है, ठीक है, ये डी डैश। फिर क्या आ गया ए डैश, ठीक है, ए डैश आया, ए डैश कहां है ऊपर की तरफ, ये प्लॉट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट लिस्ट पे, ई डैश, ई डैश का है ये रहा, ई के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ डैश, और एफ डैश के बाद ई डैश, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम मेरी ये आ रही थी यहां पे क्या हो गई, रिमूव हो गई, और क्लिक करके मेरे पास ये आ गया वेलर, वेलरी नाम है ना भाइयों का, वेलर एथरटॉन, ठीक है, एथरटॉन एल्गोरिथम से आया मेरे पास ये रिजल्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इनका कंप्लीटली एल्गोरिथम है कि किस तरीके से इनका कंसेप्ट चलता है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी टेक्स्ट क्लिपिंग के ऊपर, क्योंकि कर्व क्लिपिंग आती है जो फोर्थ टाइप होती है, हालांकि इसका जो टॉपिक है बुक्स में इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ अच्छे से, तो वो नहीं करवाया, टेक्स्ट क्लिपिंग करेंगे। जब मुझे कर्व क्लिपिंग मिल जाए या आपको अच्छा सा कुछ डेटा मिल जाए तो मुझे बताइएगा, मैं वहां पे जरूर करूंगा, ठीक है। तो टेक्स्ट क्लिपिंग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पॉलीगन क्लिपिंग के कंसेप्ट के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। पॉलीगन क्लिपिंग में नहीं, टेक्स्ट क्लिपिंग में करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।